है कैसे पता? है मैं इनके साथ 24 घंटे रहती हूँ, मुझे सब समझ आता है। सी, वो, चलो, आजा, यार। डालिन मुझे नीचे उतार दो। छोड़ो, छोड़ो मुझे, सिना छोड़ो। यार बहुत संगीन मामलात हैं दरअसल हमारे, वो हल करने जरूरी थे इसलिए ले जा रहा हूँ। जो भी है, तुम दोनों सुकून से भी तो बैठ के अपना मसला हल कर सकते थे ना किसी कैफे में, ऐसे उठाने की क्या जरूरत थी? बहन है मेरी यार। यार तुम तो ये बात मत करो हाँ, तुमने भी तो यही किया ना। तो यशम मेरी कानूनी बीवी है यार। अब यार बीवी हो या नहीं मैं ये सब नहीं जानता, मैंने कुछ कहा भी है क्या तुमसे? हाँ अच्छा चलो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। हाँ और क्या। हाय यशम, दी तुम्हें इजाजत। अरे यार ख्याल रखना तो मेरी बहन का, तुम भी ख्याल रखना। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, पागल हो गए हो क्या? हाँ बिल्कुल, किसी सामान की तरह उठाया हुआ है तुम दोनों ने हमें, देखो तो सही है ना? हाँ ना यार, हम कोई चीजें हैं जो उठा के ले जाओ, ये क्या तरीका है यार? हाँ बिल्कुल, एक दफा पूछना तो चाहिए था ना भाई। आप डेफने को ऐसे अगवा नहीं कर सकते भाई, आप भी इस तरह से अगवा नहीं कर सकते। बस बहुत बातें हो गई तुम्हारी, चलो चलो। ये तुम क्या कर रहे हो? यालन, 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 मैं छोड़ूंगा नहीं यालन नाराज। मेरे घर से मेरी बहन को उठाकर ले जाने का नतीजा बहुत बुरा होगा। मैंने कहा भी था अपने लड़कों को दूर रखना मेरी बेटी से, वो कैसे भाग गई? चले दादी अंदर चले, मजा आ गया आज तो। चल। यस। आराम से। आखिर मैं इतनी हैरान क्यों हो रही हूँ? ये कौन सा पहली दफा हुआ है मेरे साथ? हमेशा ऐसा ही तो हुआ है मेरे साथ कि इस शख्स का जब दिल चाहे इसने मुझे माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि ये शख्स अपनी मर्जी का मालिक है और इसे जो ठीक लगता है ये वो ही करता है। हाँ और वैसे भी मुझे अगवा करना बहुत आसान, क्योंकि मैं नाजुक सी हूँ और तुम्हारे लिए मुझे उठाना मुश्किल नहीं। और इन हरकतों को तुम्हें लगता है कि प्यार कहते हैं? मैं एक और बात क्लियर कर देती हूँ कि अब इस सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूँ। डेफने क्या है? बहुत याद किया मैंने सांस लिए बिना बोलने वाली लड़की को। रिलैक्स रिलैक्स। आ जाओ आ जाओ, तुम्हारे भाई को लग रहा है तुम भी भाग गए हो, जल्दी से आ जाओ। भाभी ये सब क्या हो रहा है? अरे हमारे दुल्हे साहब दुल्हन को अगवा कर रहे हैं और तुम सो रहे हो। हबीबे ये लोग देखो तमाशा देख रहे हैं, कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। मुझे इस आदमी के साथ छोड़ दिया, हाथ में हाथ देकर, वो भी छोड़ो छोड़ो मेरी बात सुनो छोड़ो, तुम छोड़ दो हमारी लड़की को, इस तरह अगवा नहीं कर सकते हो तुम इसे। हबीबे क्या बकवास है ये? हबीबे चलो अंदर जाओ, ये शिव कान खोल के सुन लो, हिलने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। जाओ अब देखोगे तुम लोग बदमाशी। मैं तुम्हारे बारे में जब अपने तमाम फॉलोअर्स को बताऊंगी ना तब होगी तुम्हारी बदनामी। बस एक हैशटैग ही सोचना है। मोहब्बत गुंडागर्दी नहीं होती। कहाँ है वो? हाँ मैं अभी जूते लाके देती हूँ तुम्हें, एक मिनट रुको। मुझे भी दो, मुझे भी दो, ये लो। चलो चलो जल्दी हाथ चलाओ, मेरी मदद करो जरा, जल्दी।
तुम उस शख्स को कैसे इजाजत दे सकते हो डेफने को किडनैप करने की? भाई मैं दे सकता हूँ क्योंकि वो सही है। क्या मतलब सही? अगर वो सही भी है तो क्या हमारी बहन को उठा कर लेके जाएगा? यार डेफने की भी बराबर की गलती है यार। कम से कम वो मानता तो है कि उसे प्यार है उससे, और जाहिर है वो कब से मना रहा था यार, उसको करना पड़ा, ये क्या मसला है आपको? सच कहूं तो तुम्हारी बीवी के सामने तुम्हारा मुंह तोड़ देने का दिल कर रहा है मेरा। यशिम कहां लेकर गया होगा डेफने को तुम्हारा भाई? बहुत अच्छा सवाल किया है तुफैल भाई आपने, लेकिन अगर मुझे पता होता तो मैं खुद उसे बचा लेती, समझे आप? लेकिन हाँ, मैं कैसे बचाऊंगी उसे? हाँ कैसे बताएं, क्यों? क्योंकि मैं तो खुद अगवा हो गई हूँ इस खड़ूस के हाथों। खड़ूस मत कहो मुझे बस। अभी तो तुम्हें बहुत से खिताब मिलेंगे बेवकूफ लड़के, देखते रहो बस। बस चुप कर जाए, मैं अभी जा रहा हूँ। उस याले नाराज को तो मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। लैला जाओ मेरे कपड़े तैयार करो। अलमारी में कपड़े रखे हैं तुम्हारे, खुद ले लो जाकर। तुफैल तुफैल तुम इसे वापस दे दो और अपनी बहन ले आओ। मेरी है ये, बहुत मुश्किल से किडनैप किया, मैं नहीं जाने दे रहा। शायद पहली बार दादी जाने ना अकल की बात की है। मुझे दे दो ना, दे दो। चलो मैं देख के आती हूँ। हाथ उठाए अपना यार। ए बस करो यशिम, हिलना नहीं यहाँ से। तुम लैला जल्दी बताओ चाबी कहाँ रखी है? जहन्नुम में दफन है वो तुफैल। अब ये भी मैं बताऊं इस इंसान को? तुफैल मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ, और तुम यहाँ बैठ के सोचो कि तुमने क्या किया। अकल से पैदल लड़के। हाँ बात सुन मेरी, मुझे जैसे ही मौका मिला ना एक मिनट भी नहीं लगाऊंगी यहाँ से भागने में, समझे? याद रखना। बहुत स्मार्ट हूँ मैं, इतनी सफाई से मैं तुम्हें उठा कर लेकर आया हूँ, माशाल्लाह बोलो।